क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपके घर वाले कौन सा सोचते हैं कुछ भी कहने से पहले? शरियार, मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर दीजिए। क्या क्या अजीब बातें बोल रही हो? फिर से आया हूँ मैं, थका हुआ, मुझे चाय दे दो यार, एटलीस्ट बहुत काम था। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप चाय की बात लेकर बैठ गए? इमर यार, मैं इस वक्त किसी फालतू बहस के मूड में नहीं हूँ। और मैं भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे अलग घर चाहिए, आप मुझे शिफ्ट कर दें बस। क्या हो गया यार, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मैं थक चुकी हूँ आपके घर वालों के ताने सुन सुन के, हर वक्त बेऔलादी का ताना देते रहते, स्पेशली आपकी मम्मी और दुर्दाना खाला। समझा लूंगा उन दोनों को, आइंदा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या अभी एटलीस्ट तुम मेरा तो कुछ ख्याल कर लो यार। सुबह से मैं ऑफिस में था, इतना ज्यादा काम था, मम्मी भी नहीं थी ऑफिस में। हाँ तो मैं क्या करूँ, घर बैठकर आपके घर वालों के ताने सुनती रहूं कि एनी के तो औलाद होने वाली है, तुम्हारी तो औलाद का दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो ये तो खुशी की बात है ना यार कि उनका बेबी होने वाला है, तुम्हारी सगी बहन का बच्चा होने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए उसकी खुशी में। अभी जिसकी औलाद आई नहीं है उसकी वजह से मुझे इतना कुछ जताया जा रहा है, जब वो इस दुनिया में आ जाएगी तो मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा, सोचा है आपने?